मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक, दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है वो है मक्खन, मक्खन लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हैं वो। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही है, घी है, देशी गाय का दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीज है। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे, सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवत जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा, इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा, मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं। अब मैदे की चीज नहीं क्यों, क्योंकि ये कफ को बिगाड़ने वाली चीज है मैदा। बाकी चीजें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ेंगी। तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें। अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगे तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें। अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें, मैदे की कचौरी ना दें, कचौरी मांगेंगे तो आटे की दें। मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में भागवत जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं।